यह बात स्पष्ट है कि बंदा बहादुर वो उस शख्सियत का नाम था जहां पर त्याग और बलिदान की धरोहर पर समाज के प्रति संवेदना, समाज के सुख दुख के लिए मर मिटने की कामना, न सिर्फ वीरता, न सिर्फ बलिदान, लेकिन समाज सुधार, सामान्य मानवी के अधिकार, ऐसी मजबूत नींव जिस महापुरुष ने, जिस वीर योद्धा ने रखी, उनकी 320 शहीदी पर आज हम उनसे प्रेरणा लेने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए और उनकी सीख को हमारे कार्यकलाप में लाने के लिए आज हम उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जब हम बंदा सिंह बहादुर जी की बात करते हैं, इतने बड़े योद्धे की, जो हमारे भारत का पहला योद्धा था जिसने एशिया के उस टाइम के सबसे बड़े राज्य, मुगलों के राज्य के सबसे ज़्यादा दबदबे वाले इलाके में उनको शिकस्त दी और वहाँ 6 साल अपना राज्य कायम रखा। बाकी सब भारतीय राज्य अलग अलग तरीके से मुगलों को खुश करके, जैसे कोई पैसा देकर, कोई अपनी बहन बेटियों की उनके साथ शादी करके, कोई अपनी फौज देकर अपना राज चला रहा था और मस्त थे। किसी को भी अपने स्वाभिमान और अपने देश की आज़ादी की चिंता नहीं थी। अगर पूरे भारत में कोई इक्का दुक्का बगावत और अपना लोहा दिखाने के लिए कोई उतरा भी, वह कहीं पर भी लंबा टिक नहीं पाया, कहीं अपना लंबा राज्य नहीं कायम कर पाया। सिर्फ और सिर्फ बंदा सिंह बहादुर जी ही थे जिन्होंने दृढ़ निश्चय किया और गुरु गोबिंद सिंह जी जो नांदेड़ में थे से आशीर्वाद तथा रणनीति समझ के पंजाब की तरफ, सरहिंद की तरफ रवाना हुए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनके साथ 5 प्यारे, 20 सिख, 5 तीर तथा 1 नगारा दिया, साथ में 1 चिट्ठी हुक्मनामा दिया सिखों को बताने के लिए कि बंदा सिंह बहादुर को गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही भेजा है और वह उसे हर किस्म की सहायता दें। बंदा सिंह बहादुर ने अपना निश्चय पूरा किया और 6 साल तक पंजाब के काफ़ी बड़े हिस्से पर राज किया। अपना गुरु नानक देव जी के नाम पर सिक्का चलाया। खुद उन्होंने कोई कलगी नहीं पहनी, किसी तख्त पर नहीं बैठे, जिम्मेदारी ख़त्म करने की और काश्तकारों को, किसानों को ज़मीन का भागीदार बनाया। लोग उनके राज्य में बहुत खुश थे। 6 साल राज के बाद मुगलों और हिंदू राजाओं की 60,000 से ऊपर इकट्ठी सेना ने बंदा सिंह बहादुर की छोटी सी सेना को एक छोटी सी कच्ची गढ़ी में, गुरदासपुर के पास गुरदास मंगल में, 13 अप्रैल 1715 को घेरा डाल दिया। घेरा 8 महीने चला। सारा राशन पानी अंदर ख़त्म हो गया। सैनिक अंदर भूखे प्यासे थे। दिसंबर 1715 को मुगलों ने बंदा सिंह बहादुर और उसके सैनिकों को बंदी बना लिया। उनको मुगल लाहौर और सरहिंद होते हुए
दिल्ली ले गए। रास्ते में बहुत नए सिख भी उनके साथ जुड़ते गए। टोटल 744 बंदी दिल्ली पहुंचे। मुगलों ने लाल किले के पास रोज 100 सिख शहीद करने चालू किए। सभी को यह प्रस्ताव दिया जाता था कि अगर वह मुस्लिम बन जाएंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। एक भी सिख मुस्लिम बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। ज्यादा सिख कैदियों को शहीद करने के बाद बंदा सिंह बहादुर, उसकी पत्नी, 4.25 साल का बच्चा और 25 जर्नैलों को कुतुब मीनार के पास ले गए। उन सभी को बहुत तसीहे देकर शहीद कर दिया। क्या हम ऐसे देशभक्त योद्धे के लिए या उसके बारे में कोई भी झूठ बोल सकते हैं? क्या वह पाप और देशद्रोही का काम नहीं होगा? भारत की राजधानी के बीचों बीच एक सड़क, माना जाता है कि बंदा सिंह बहादुर जी की शान और याद में उनके नाम पर रखी गई है। सड़क का नाम है वीर बंदा बैरागी मार्ग। ये कैसा नाम है? बंदा सिंह बहादुर जी रजौरी कश्मीर में पैदा हुए थे। लक्ष्मण देव इनका सबसे पहला नाम था। किसी कारण यह बैरागी हो गए और घर घाट छोड़कर नांदेड़ की तरफ चले गए। वहां एक औघरनाथ योगी से मुलाकात होने पर वो उसके साथ रहने लगे। अपना नया नाम माधोदास बैरागी रखा। जब गुरु गोबिंद सिंह जी से मुलाकात हुई तो उनके तुम कौन पूछने पर इस बैरागी ने उत्तर दिया कि मैं आपका बंदा हूँ। गुरु जी ने इसको समझाया, सिखाया और अमृत पान कराकर खालसा सजाया। इस टाइम इनका नाम बदलकर गुरबख्श सिंह रखा गया, पर गुरु जी प्यार से इसको बंदा सिंह ही बुलाते थे, इसलिए सभी सिखों ने इसको बंदा सिंह बहादुर बुलाना चालू कर दिया और यह इस इतिहास में मुगलों के लिए, सिखों के लिए इसी नाम से जानने लग पड़े। यहाँ पर मोदी जी को भी सुनिए कि वह इनके बारे में क्या बता रहे हैं। बंदा बहादुर सी एक घटना उनके मन को आंदोलित कर गई और वे बैरागी बन गए। यह बैराग उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में ले गया। नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी मुलाकात के बाद ही उनके पुराने जीवन की पहचान पीछे छूट गई। संसार का वो हाल छोड़ दिया। कभी माधोदास के नाम से जाने जाते थे, वो बात इतिहास के खर्क में डूब गई और वे बंदा सिंह का नाम धारण करते हुए इस मुलाकात के बाद एक बैरागी किशोर गुरु गोविंद सिंह जी प्रेरणा से एक महान सैनिक बनने के राह पर चल पड़ा। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने गुरु गोविंद सिंह के वचनों को अपने मन और कर्म में बसा लिया। वीर बंदा बैरागी, इतिहासकारों ने पता नहीं क्या तोड़ मरोड़ कर बना दिया है। मोदी जी, मेरी आपको दोनों हाथ जोड़कर बहुत निम्रता से प्रार्थना है कि ऐसे इतिहासकार जो दिल में नफरत लेकर इतिहास तोड़ मरोड़ कर लिख रहे हैं, उनकी नई लिखतें किसी भी सरकारी स्कूल और सरकारी कार्यालय में
ना ली जाएं। मेरी फिर दोनों हाथ जोड़कर मोदी जी से और बाकी सरकारी कार्यालयों से निवेदन है कि बंदा सिंह बहादुर जी के नाम को इतना तोड़िए मरोड़िए नहीं, और उनके अपना नाम जो उन्होंने अपने युद्ध, राज्य चलाने और शहीदी के समय पर रखा था, के नाम पर ही मार्ग का नाम बदला जाए। इस मार्ग का नाम बंदा सिंह बहादुर मार्ग होना चाहिए। एक और ध्यान रखा जाए कि पंजाबी को हिंदी में उल्था करते हुए नाम वही रहता है, सिंह को सिंह नहीं लिखिए। उम्मीद है कि जो भी सरकारी दफ्तर नाम रखता और बदलता है वह शीघ्र ही इस पर काम करेंगे। जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।